रहीम सर लेवल पे हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये भी तो हमारे हैं, अपने आज घर आया था इसलिए आए। असली बुनियादी एजेंडा क्या था इस दौरान बात करने के लिए? लग रहा था शायद कम तैदा होगा, नहीं यहाँ पर बात पूरी तरीके से नहीं हो पाई कि ज्यादा उनका तैदा जमा होगी तो बात हो पाई। कल से सोशल मीडिया पर हम किसी भी उस पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, बगैर जो एक ये समझेगा कि मसले कश्मीर मसला है और जो मेरे वर्कर का बुनियादी काम करेगा बस। क्या मतलब वो मसले कश्मीर के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं क्या? मतलब आपका यही हाउस में भी जब आप देखते हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हो आपको तो पता ही है, हाउस में भी मेरी ये बात थी, मैं हाउस में भी कहता था ये मसला है, बीजेपी को मानना पड़ेगा, जिस दिन वो मानेंगे ये मसला है तब इंशाल्लाह। सब मेरे लीडर हैं, बहुत बड़े कायद हैं, उन्होंने जो कहा होगा पता नहीं किस कंटेस्ट में कहा होगा, अगर उन्होंने मुझे इतना कहा कि शायद अब ये मेरी खुशकिस्मती वो मेरा नाम भी लिखने जना में एक बात मिलके नहीं किया, कोई नहीं देख लीजिए, कोई ऐसा हुआ नहीं। बहुत से लोग पीडीपी से भाग गए, कुछ सज्जाद साहब के साथ मिल गए, कुछ नेशनल कांग्रेस के साथ मिल गए, कांग्रेस में चले गए, ये जरूरी नहीं कि एक ही साथ चले गए। ये सब कब रखे? बस इंशाल्लाह हमारी बात चल रही है, मैंने कहा जो दो चीजें हमारे लिए अहम है, एक तो जो माने कि मसला कश्मीर हमें हल करना है, मसला कश्मीर मसला है, और जो मेरे वर्कर को बुनियादी मुझे हमें मिनिस्ट्रियां नहीं चाहिए किसी भी पार्टी से, हमें बड़े मकसद नहीं है, हमें छोटे मकसद है। हमें आज 70 सालों में भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंस में साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा, जो भी पार्टी मुझे ये इंश्योर करेगी एक तो ये एक तो मसले कश्मीर पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा और जो मुझे ये बुनियादी सहूलियत देंगे।